चल फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज आपको बोलने वाला हूँ जो बोर्नियो इस कमेटी के माध्यम से आप किसी भी फोन का, किसी भी मदरबोर्ड का, उसका आईसी वगैरह कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, मतलब किस में कौन आईसी है, ए आईसी का नाम क्या है और किस काम में आता है, तो हर चीज आप इस कमेटी में देख के आप जान सकते हो। ठीक है, तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने एक इन्फिनिक्स का फोन सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं हॉट 11। ठीक है, इसे मैंने ओपन किया, करने के बाद सिंपल से यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ हार्डवेयर सोल्यूशन, इसे हम लोग ओपन करेंगे। तो जैसे मैंने ओपन किया, करने के बाद आपको इस तरह से सारे फोल्डर में देखने को मिलेगा, जैसे हर एक चीज़ का अलग अलग फोल्डर इन्होंने बना के रखा है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट नेम है जो देख पा रहा हूँ, कंपोनेंट नेम इसे हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, इसे मैंने डबल क्लिक किया और ये ओपन होने लगे। इसमें आपको सारे चीज़ देखने को मिलेगा, जो कौन सा आईसी है, ये आपको अगर पता नहीं है जो कौन सा आईसी क्या है, तो आप इसमें देख के पता कर सकते हो। तो इसे मैं दोबारा ओपन करता हूँ, देखिए ओपन हो गया। ये वाला मॉडल ओपन नहीं हो पा रहा था, तो नीचे वाला मैंने ओपन किया हॉट 11 प्ले। ठीक है, इसे मैंने ओपन किया। तो सिंपल सी, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सिंपल से अगर आपको जानना है जो भाई कौन सा आईसी किस तरह से क्या काम करता है, तो आपको बोलता हूँ। तो सबसे पहले इसका अगर फ्रंट में दिखेगा, ये मोबाइल का बैक साइड है और ये फ्रंट है। ठीक है, तो इस मोबाइल में फ्रंट साइड में आपका ये जो बड़ा बड़ा दो आईसी दिख रहा है, इसका आपका रहेगा एक वाला जो लिखा है चिप सेट, तो समझ जाना ये वाला आपका सीपीयू है, प्रोसेसर आईसी। और इसका बगल में वो भी जो बड़ा आईसी है, तो समझ जाना इस पर जो लिखा है इंटरनल स्टोरेज, तो समझ जाना ये आपका मेमोरी आईसी है। ठीक है, ये मेमोरी आईसी है, सीपीयू है। ठीक है, और उसका बाद हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको इंटरनेट का स्विच देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरह का फोन हो, अगर आपको ये बगल में इंटरनेट का स्विच दिख रहा है, तो समझ जाना आपका नेटवर्क आईसी वही पर मिलेगा। ये देख पा रहे हो, ये नेटवर्क आईसी है WTR। ठीक है, ये आपका नेटवर्क आईसी है, ये नेटवर्क सेक्शन है, ये 2GPA है, ये आपका WTR है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका जहाँ पर भी ये वाला स्विच रहेगा उसी का बगल में जो सील रहेगा उसी में आपको नेटवर्क सेक्शन देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, ये जो देख पा रहे हो छोटा सा आईसी, इस पे क्या नाम लिखा है देख पा रहे हो, ये आपका ऑडियो आईसी है। ठीक है, इस पे लिखा भी है ऑडियो, तो समझ जाना ये आपका ऑडियो आईसी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है इस पे, तो फ्रंट साइड में इतना ही आईसी है और नीचे का साइड में देखेंगे हम लोग पीछे का साइड में, तो इसमें देखिए आपको सब कुछ लिखा है। ये जो बड़ा बड़ा दिया हुआ है ये वाला, ये सेम ट्रे है देख पा रहे हो। इसमें आपको सबसे पहले आपको मेमोरी कार्ड लगता है जो लिखा है एसडी कार्ड, उसके बाद आपको सिम ट्रे लगता है, सिम टू वाला होगा, उसके बाद जो लास्ट में रहेगा वो आपका सिम वन वाला है। ठीक है, इस पर आपको तीन सिस्टम है, वो तो आप सभी भाई जानते हो। और उसी का बगल में हम लोग देखने को मिलता है पावर आईसी, तो पावर आईसी तो सभी भाई जानते हैं, इसका बगल में बड़ा बड़ा आपको कॉयल देखने को मिलता है। ठीक है, और इस पर आपको क्रिस्टल भी एक है और कॉयल भी आपको देखने को मिलता है, तो समझ जाना ये आपका पावर आईसी है। ठीक है, उसका बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहा हूँ 4GPA भी लगा है, ये जो आईसी देख पा रहा हूँ ये 4GPA, हमेशा नेटवर्क सेक्शन में पीए जो लिखता है तो वो नेटवर्क आईसी होता है। ठीक है, वो समझ जाना आप लोग। तो उसका बाद देखिए इस पे क्या लिखा है, बॉक वीडी रैम। ठीक है, बॉक वीडी रैम क्या है, कौन सा है, ये देखिए तो बॉक कंट्रोल के लिए आईसी है, ये आपको स्कीमेटिक देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप एक बॉक कन्वर्टर आईसी है ये वाला, क्योंकि इस फोन में आपको MT6357CRB लगा है, इसमें आपको दो एक्सटर्नल बॉक्स सर्किट रहता है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, अगर आपको नॉलेज है इसके मिट्टी का तो आप समझ सकते हो। इससे जानने के लिए आपको इतना आसानी से पता नहीं चलेगा, जब आप जाके आगे जाके इसके मिट्टी रीड करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। तो इसका बगल में देख पाओ एक आईसी है 6 लेग का और इसका बगल में एक कॉयल है, ये कौन सा आईसी है इस पे जाइए, इस पे लिखा होगा देखिए, इस पे आपको LCD लाइट लिखा है, तो समझ जाना भाई ये आपका लाइट आईसी है। ठीक है, उसका बगल में देखिए आपको डिस्प्ले लिखा है, तो जिसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा समझ जाना ग्राफिक आईसी। ठीक है, ग्राफिक आईसी हम लोग का फोन में रहता है ये वाला, देख पा रहे हो, इसका बगल में एक कॉयल भी देखने को मिलेगा, बूस्ट कॉयल, इसका अंदर में भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता चल गया। और ये आपका कौन सा कनेक्टर है कैमरा का, इस पे आपको लिखा है देख पा रहे हो, फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का देख पा रहे हो, और इस पे आपको पावर की देखने को मिलेगा, और ये वाला है आपको बैक कैमरा, इस साइड में जो है बैक कैमरा, ये दोनों बैक कैमरा काम करेगा, और इस पे जो लिखा है ये आपको फ्रंट कैमरा। तो इस तरह से आता है, अगर आप समझ में नहीं आता जब कौन सा आईसी है क्या है, तो आप इस तरह से देख के सीख सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।